हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो केमिस्ट्री जो सारी है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, पर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कुछ लॉज पे बेस होती हैं, एंड उन लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बात करें, हमने टोटल 5 लॉज को पढ़ना है अभी के लिए। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये 5 लॉ हमने पढ़ने हैं। कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है एंड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो बन जाता है वो आपका ये बन जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? आया हुआ है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो ये दिया था एंटोइने लवोइजर ने, एंड इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ये दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये दिया था डॉल्टन ने, जॉन डॉल्टन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये दिया था रिस्टर ने। लास्ट है गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो ये दिया था गे-लुजैक ने। तो ये 5 लॉज हैं। बात करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ से स्टार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। कंजर्व वर्ड हमने सुना होगा, कंजर्व मीन संरक्षित रहना। इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो संरक्षित है, वो फिक्स है, ना उसको हम कम कर सकते ना उसको हम ज्यादा कर सकते। जैसे एनर्जी का लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे कुछ है ये लॉ, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग या के बीच में मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। कि चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो, जो प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा रिएक्टेंट के मास के। एक बात और बताता चलूं, ये जो लॉ है ये 17-18 सेंचुरी में बात की गई थी, तो अब इतना टाइम हो चुका है तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी जरूर बनी होंगी या मिल गई होंगी। उस टाइम तक नहीं मिली थी और हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं, अभी हम इनकी लिमिटेशंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोला, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको एक रिएक्शन दे दी है, ए प्लस बी गिव्स सी। अगर मैं कहूं ए का मास 10 ग्राम है, बी का मास 20 ग्राम है, तो सी का मास कितना होगा? सी का मास होगा 30 ग्राम, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करें। एक क्वेश्चन देखिए, बुक के अंदर है आपके क्वेश्चन, इफ 6.3 ग्राम of NaCO3 are added to ग्राम of इथेनोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड कह सकते हैं, CH3COOH सोल्यूशन, द रेसिड्यू is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released? ये आपको क्वेश्चन दिया गया, आपकी बुक के अंदर है, हेल्प बुक के अंदर एक क्वेश्चन है कि NaCO3 है और उसमें आपने क्या जोड़ा है, CH3
सिरुलर जुड़ा है। तो ये रिएक्शन बनेगी कुछ इस तरह से, ये बनेगा CH3O COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। ये रेसिड्यू है आपका एंड ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको बोल दिया NaCO3 का मास कितना है, कितना NaCO3 लिया गया 6.3 ग्राम एंड CH3COOH कितना लिया गया है 15 ग्राम एंड ये कितना लिया गया है 18 ग्राम एंड इसका मास आपको कैलकुलेट करना है। अभी हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या 16.3 प्लस 15 इक्वल्स टू 18 प्लस में इसको एक्स मान लेते हैं तो ये कितना हो गया 16.3 प्लस 15 21.3 माइनस 18 इक्वल्स टू एक्स एंड ये कितना आ जाएगा आपका 3.3 ग्राम। बताइए इसी तरह से मतलब आपको दो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको रिएक्टेंट का मास दे रखा है, प्रोडक्ट का मास दे रखा है और आपसे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट कब हो सकती है, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर है बात। अगली बात करते हैं, ये था फर्स्ट लॉ, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं एंड ये किसने दिया था, J.L. Proust ने ये लॉ दिया था। नाम से क्लियर हो रहा है कांस्टेंट कंपोजिशन की कंपोजिशन जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। क्या करना चाह रहे थे वो, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड या अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कि अगर कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें हमेशा एलिमेंट सेम रहेंगे और उनका जो प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं वॉटर का, वॉटर कंडीशन क्या है कि वाटर प्योर होना चाहिए। ये किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सोर्स का हो, किसी भी कंट्री का, अमेरिका का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, सोर्स कुछ भी हो, आपने नदी से लिया है, बारिश का है, नलके का है, टूटी का है, किसी भी सोर्स का है, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O। मतलब इसमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा एंड ऑक्सीजन एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन का जो मास रहेगा वो रहेगा 2, ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो रहेगा 16, यानी कि यहां से इनका जो रेशियो बाय मास रहेगा वो 1:8 रहेगा। क्लियर होती है बात की नहीं होती है। यही था कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसकी जो कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर बना है वो फिक्स रहेगी हमेशा। ये नहीं है कि अमेरिका वालों की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है तो वो कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना दे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टेंट कंपोजिशन मतलब फिक्स रहेगी कंपोजिशन। बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, याद रखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट की बात होती है एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तीन एलिमेंट की बात होती है, ये बात याद रखनी है। क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कहता है
when two elements combine together, to form two or more than two compounds. दो एलिमेंट जुड़े और उन्होंने जुड़ के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए. वन एलिमेंट कंबाइन with the fixed mass of other. Will do so in simple whole number ratio. By mass. ये क्या कहता है? रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सी समझिए इस बात को. ये क्या कहता है कि दो एलिमेंट और दो ही एलिमेंट, दो एलिमेंट जुड़े और उन्होंने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, उनमें से एक का मास आपने फिक्स रखा और दूसरे का मास आप चेंज करते रहे. जिसका मास आप चेंज कर रहे हो ना, जब उसके मास का रेशियो आप निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. एंड मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, ये जितने भी लॉज हैं इनकी लिमिटेशंस भी हैं. आज के टाइम में इनकी लिमिटेशंस है, बट बहुत टाइम तक इनकी कोई लिमिटेशन नहीं मिलेगी. तो देखो, जैसे कि दो एलिमेंट जुड़े, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जुड़े हैं. इन्होंने मिलके क्या किया? पहले बनाया वाटर, फिर बनाया हाइड्रोजन परऑक्साइड. अब क्या कह रहे हैं, देखिए दो एलिमेंट जुड़े हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, और इन्होंने दो कंपाउंड बनाए. कम से कम दो कंपाउंड बनाए, दो से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, दो कंपाउंड बनाए. एक का मास फिक्स रखा और दूसरे का मास आपने चेंज किया. इसका मास यहां पे भी टू है, यहां पे भी टू है. इसका मास यहां पे कितना है? यहां पे वाटर के अंदर इसका मास है 16, एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर इसका मास कितना है? 32. तो यहां से अगर आप इसके मास का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1:2. बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े और उन्होंने कंपाउंड बनाए. फर्स्ट मान लीजिए NO2 बनाया, फिर N2O, फिर N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5. ऐसे इनकी ही बात कर लें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े और उन्होंने मिलके ये कंपाउंड बनाए. एक बार उन्होंने बनाया था N2O और एक बार उन्होंने बनाया था NO. ये कंपाउंड बनाए हैं भाई, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5. अभी एक बात है दैट कि एक का मास हमें क्या रखना है? फिक्स रखना है. तो किसका मास फिक्स रख सकते हो आप? किसी का भी जो आपका दिल करे. बट यहां से देखें तो नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा जाता है सिर्फ इस केस को छोड़ के. ये केस क्या किया जा सकता है? इसको टू टाइम्स कर दें, नाइट्रोजन टू हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी टू हो जाएंगे. नाइट्रोजन का मास कितना है यहां पे इस केस में? 28 28 28 28 एंड 28. ऑक्सीजन का मास कितना है अभी यहां पे? यहां पे 16, यहां पे 32, 48, 64, 80. क्या बात थी? व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, when one element combined with fixed mass of other, that element will do so
इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास या सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास, ये बात थी। देखिए इसका मास आपने सेम रखा, जिसका मास चेंज कर रहे हो, ऑक्सीजन का 16, 32, 48, 64, 80, रेशियो का लिए 1:2:3:4:5, सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं अभी? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या आया है। स्टेटमेंट है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड, कार्बन दो ऑक्साइड बना रहा है, विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% कार्बन रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज फिगर इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो ऑक्साइड है जिसमें से एक में कार्बन है 42.9% और दूसरे में कार्बन है 27.3%, और आपको ये बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, एक का मास फिक्स रख के जिसका मास चेंज हो रहा है अगर उसके मास का आप रेशियो निकालोगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अभी देखिए आप इस केस में फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना दिया, 42.9%। ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पे ऑक्साइड है ना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये 42.9% है तो ये कितना होगा, 57.1%। सेकंड ऑक्साइड में देखिए कार्बन कितना है, 27.3%, तो ऑक्सीजन कितना बचा, 72.7%। अभी केस वन की बात करें, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ऑक्सीजन अगर 57.1 ग्राम है तो वो कंबाइन कर रहा है कितने कार्बन के साथ, 42.9 ग्राम कार्बन के साथ। तो मैंने बोला एक का मास आपको फिक्स करना पड़ेगा, मान लेते हैं हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया कितना, 1 ग्राम। अगर 57.1 ग्राम ऑक्सीजन इतने कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है तो 1 कितने के साथ करेगा, 42.9 बाय 57.1 आएगा आपका 0.751 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस से हमें क्या पता लगता है कि 72.7 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है 27.3 ग्राम कार्बन के साथ। अगर यही 1 ग्राम ऑक्सीजन होता तो ये कितने के साथ कंबाइन करता, 27.3 बाय 72.7 यानी कि 0.376 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। अब एक का मास आपने फिक्स कर दिया, अब जिसका मास आप चेंज कर रहे हो उसके मास का रेशियो निकाल लो, निकाल लीजिए 0.751 to 0.376 और ये आएगा 2:1 है कि नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो है यही। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना भाई, उनमें सबसे जो मुश्किल लॉ बच्चों को लगता है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगता है। इवन इसकी डेफिनेशन ही कंफ्यूजिंग है बड़ी, एंड फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब सब कुछ कंफ्यूजिंग है। बट इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगने वाला है, डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे समझने वाले हैं, एग्जांपल बहुत अच्छे समझने वाले हैं, फिर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझने वाले हैं, और अगर सब कुछ आपको अच्छे समझ में आए फिर आपका काम है शेयर करना मैक्सिमम। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ये लॉ दिया किसने था, रिश्टर जी ने दिया था। कब दिया था, 1792 के अंदर। क्या बात बोली, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। क्या कहना चाह रहा है definition में, मैं आपको एक example समझाता हूँ। एक बात जो आपने याद रखनी है, जो law of multiple proportion है और जो law of reciprocal proportion है उसमें जो main difference है वो ये है कि law of multiple proportion apply होता है दो element पे, and जो law of reciprocal proportion है वो apply होता है तीन element पे। पहली बात ये difference है, clear? चलो तीन एलिमेंट की बात होगी इसमें। हमने बात की वो तीन एलिमेंट हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। देखिए अभी ये इसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं, इसके साथ देखिए अब क्या बना रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर बना रहा है CH4, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर बना रहा है CO2, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर बना रहा है H2O,
एंड कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना रहा है CO2। वो सॉरी यार आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया हूं पहले, मैं इसको लेके आया था क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना उनकी कैलकुलेशन के लिए। अभी मेरा क्या है कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाथ ढीला है, वो वीडियो की लेंथ लंबी ना कीजिए, इसीलिए आपकी हेल्प के लिए लेके आया हूं। अभी कैलकुलेटर अफोर्ड नहीं कर सकते, मम्मी का मोबाइल ही ले आया। चलो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है H2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है CO2। अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं कार्बन का और हाइड्रोजन का क्या है। कार्बन का मास यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 4 है, यहां से इनका रेशियो आएगा कैंसिल करें तो आएगा 3:1, मीन्स 1 पार्ट हाइड्रोजन का एंड 3 पार्ट कार्बन के। 1 पार्ट हाइड्रोजन का है तो कार्बन के 3 पार्ट है, हाइड्रोजन के अगर 4 पार्ट है तो कार्बन के उसके 3 टाइम्स यानी कि 12 पार्ट है। ये बात क्या है, H2O में कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 है, तो यहां पे आप रेशियो बाय मास निकालो 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का मास 1 है, हाइड्रोजन का पार्ट 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना है 8। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट, और वो दो अलग अलग एलिमेंट कौन है कार्बन और ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये अलग से कंबाइंड हो रहे हैं एक तीसरे एलिमेंट के साथ, इनके मास का रेशियो निकालो जिसमें ये इसके साथ कंबाइंड हुए, इनके मास का रेशियो देखिए ये किस मास में कंबाइंड हो रहे हैं, इसका 3 पार्ट इसके 1 पार्ट के साथ कंबाइंड हो रहा है, इसका 8 पार्ट इसके 1 पार्ट के साथ कंबाइंड हो रहा है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास है वो 3:8 है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होने के लिए 1 पार्ट के साथ कंबाइंड होने के लिए इसका अगर मैं 1 ग्राम रखूं तो कार्बन के कितने पार्ट जुड़ेंगे 3 पार्ट, ऑक्सीजन के कितने पार्ट जुड़ेंगे 8 पार्ट, तो वहां से रेशियो आया 3:8। अब कह रहा है कि ये जो रेशियो आया ना वो या तो सेम होगा या फिर सम सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा जिसमें ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है CO2, यहां पे कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16:2, 32 कैंसिल कीजिए किसी पे कैंसिल हो रहे हैं तो 4:3:12, 4:8:32 और ये हमारा तुक्का फिट हो गया कि नहीं हो गया। क्या कह रहा था, जब दो अलग अलग एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहे हैं और उसका मास फिर रखना आपने फिक्स, हमने यहां पर रखा इसका मास 1, तो ये इसके साथ कितने कंबाइंड कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट कंबाइंड कर रहे हैं, इसके 8 पार्ट, तो यहां से इनका रेशियो है 3:8 इसके साथ कंबाइंड होने के लिए। अब कह रहा है कि वो जो रेशियो है ना वो तो सेम होगा या तो सेम होगा या फिर एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा, सिंपल मल्टीपल होगा जिसमें वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़के क्या बना रहे हैं CO2, उनका रेशियो बाय मास निकालो वो कितना आएगा 3:8। नहीं, एक और एग्जांपल सुनाता हूं, बेस्ट एग्जांपल यही है, अगर आपको स्कूल एग्जाम के अंदर डिफाइन करने को डिफाइन करो एग्जांपल दो बेस्ट, कुछ और समझना है, ये तो चलो सेम आ गया, अब ऐसा भी उस पर सेम ना भी आए हो सकता है, दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है, चमत्कार होते रहते हैं। एक मिनट में देख लूं वीडियो बन भी रही है कि नहीं, बन रही है। चल ये इसके साथ जुड़ के बना रहा है यहां पे H2S, ये इसके साथ जुड़ के बना रहा है यहां पे, ये बना रहा है H2O, यहां से इनका रेशियो बाय मास निकालो इनका आपस में, यहां पे हाइड्रोजन के 2 पार्ट हैं, 2 मास है, ऑक्सीजन का कितना, सल्फर का कितना है 32, तो ये कितना बना, अगर इसका 1 पार्ट है तो सल्फर के 16 पार्ट है। यहां से निकालो H2O के लिए ये 2, ऑक्सीजन कितना है यहां पे 16, यानी कि आया आपका 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का 1 पार्ट है और ऑक्सीजन के कितने पार्ट हैं 8। क्लियर है बात, क्लियर है, तो क्या कह रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइंड करें इसके साथ, यहां से इस रेशियो से कुछ क्लियर ये हो रहा है, क्लियर ये हो रहा है कि भाई अगर हाइड्रोजन का 1 पार्ट है तो सल्फर के 16 पार्ट होंगे,
अगर हाइड्रोजन का एक पार्ट है तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट होंगे। इनको आपस में रेशियो निकालो, जो इसके साथ कंबाइन होने के लिए है वो है 16:8 यानी 2:1। अभी सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के SO2 बना सकता है, SO3 भी बना सकता है, SO2 बना रहा है। तो यहाँ पे इसका मास है 32, इसका मास है 32, ये कितना आया 1:1। क्या बात पता चल गई भाई, आपस में कंबाइन होने के लिए इनका रेशियो क्या है मास का 1:1, और एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के लिए क्या है 2:1। ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, बट एक दूसरे के एक सिंपल मल्टीपल ही तो है, 1:1, 2:1, वो सिंपल मल्टीपल है। ये नहीं बहुत ज्यादा कुछ ही अलग चीज निकल के आ गई है, या तो वो सेम ही है, देखो जैसे यहाँ पे सेम थे, या फिर क्या होगा सिंपल मल्टीपल होगा, ये बात कहना चाह रहे थे। चलो एक न्यूमेरिकल समझते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्लियर होगा। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और क्या आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल है, नहीं है तो मैं बता देता हूं क्या लिखा मैंने। वॉटर कंटेन 88.90% ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया कंटेन्स 82.3% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। एंड डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन। शो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये हमने करके दिखाना कि ये सारा डाटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। देखिए कैसे करेंगे, इन्हीं दो तीन एलिमेंट की बात हो रही है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, घूम फिर के नहीं की बात हो रही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़के क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़के क्या बना रहा है, N2O3 बना रहा है, ये कुछ बना रहा है। ठीक है, वही कुछ है, दो एलिमेंट है कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स मास थर्ड एलिमेंट के साथ। इनका इसके साथ कंबाइन होने का जो रेशियो है वो सेम होगा, इनके आपस में कंबाइन होने के रेशियो के, या फिर इसका सम सिंपल मल्टीपल होगा। चलो इन NH3 बात करते हैं हम, NH3 के अंदर क्या है, NH3 कहां गया, NH3 बोले तो अमोनिया, इसमें क्या है नाइट्रोजन है हमारे पास 82.35%, इसको ग्राम में लिख लो। एंड हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, कितनी अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हमारे पास 17.65 ग्राम। अब हमें एक का मास फिक्स रखना है, हम हाइड्रोजन का मास फिक्स रख देते हैं। देखिए मैं कैसे करवा रहा हूं इसको, हम लिख सकते हैं इसको 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कोई दिक्कत है साथ में है, ये डाटा ही तो बोल रहा है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन इतना, हमने ये तो बोला कि अगर हाइड्रोजन 17.65 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना है 82.35, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना होगा 82.35 / 17.65, कर लो कैलकुलेट। अब मैं तो मोबाइल से कर लूंगा, ये क्या ये गए हम कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में कर लेंगे हम 17.65 से 17.65 एंड यहां से आपका आएगा 4.66572। ठीक है, अमोनिया से हमें ये बात पता चली। अगर हम दूसरी बात करते हैं इन, ये तो अमोनिया की बात होगी, इन वॉटर H2O में क्या है, H2O क्या डाटा हमें दिया गया है, वॉटर कंटेन 80, ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर 88.90% यानी कि ग्राम में कर लेते हैं, और हाइड्रोजन कितना है, कितना भी हाइड्रोजन यहाँ पे
11.10। तो मैंने क्या कहा, एक का मास फिक्स रख लेते हैं इसको। इस डाटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि 11.10 ग्राम ऑफ किसकी, हाइड्रोजन की, कंबाइन कर रही है विद कितने के साथ भाई, 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो किसके साथ कंबाइन करेगी, 88.90 टू द 11.10। करना क्या, कर लो इसको भी, 88.90 टू द 11.10 एंड ये आपका आएगा 8.00901। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। एक ग्राम हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कितना कंबाइन कर रहा है, 4.66572 एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है, 8.0091। तो यहां पे इनका रेशियो निकाल लो, कैसे निकलेगा, 4.66572 डिवाइडेड बाय 8.00901 कितना आ जाएगा भाई, करके आपका टोटल ये आपका आएगा 1:1.17। इनका इस फिक्स मास के साथ कंबाइन होने का रेशियो क्या है, 1:1.172। ठीक है, इसके साथ कंबाइन होने का रेशियो निकाल लिया। अब इनको आपस में कंबाइन होने का रेशियो निकालिए, नाइट्रोजन कितना दे रखा आपको, नाइट्रोजन है 63.15 है, सॉरी नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 36.85 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 63.15। इनका रेशियो निकाल लो तो वो कितना आएगा, 1:1.172 इन एंड 2O3 ऐसा कुछ है। अब एक बात समझो, मैं भी तो ये कह रहा हूं कि जब दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, इनका जो रेशियो आएगा इसके साथ कंबाइन होने के लिए, जो रेशियो बाय मास बनेगा वो सेम होगा या फिर सम सिंपल मल्टीपल होगा जिसमें वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। देखिए वो सेम आया, तो ये सिंपल सा हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट था भाई हमारा गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम। ठीक है, पांच लॉ थे ना टोटल, पांच में से जो फिफ्थ लॉ था गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था। 1808 में गे लुजैक ने लॉ दिया था, इससे पहले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, जो गैसीय गैसीय रिएक्टेंट्स होते हैं ना उन पे बहुत ज्यादा रिएक्शन करके देखे उन्होंने, एंड फाइनली वो एक बात पे पहुंचे। उन्होंने क्या बात बोली, व्हेन गैस कंबाइन, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन थी, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और वो जो साउंड थी ना अभी वो खाट की थी। ठीक है, when gases at same temperature and pressure, when gases combine, they combine in simple whole number ratio. These simple numbers are the coefficient of balanced equation. कि जब भी condition क्या है, same temperature pressure हो, जब भी कभी gas combine होंगी तो वो हमेशा simple small whole number ratios के अंदर combine होगी in volume. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लो था, N2+3H2 गिव्स 2NH3। कंडीशन क्या है, सारे के सारे गैसेस फेस में होने चाहिए, सिर्फ गैसेस फेस में अगर हैं उन्हीं पे ये लो अप्लाई होता है। अभी देखो यहां पे जो आगे लगा होता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, ये जो है ये इनकी कोफिशिएंट है, इसका वॉल्यूम 1 है
इसका वॉल्यूम 3 है, इसका वॉल्यूम 2 है। वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड करता है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ और उससे बनेगा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सारे सिंपल ही तो है। दूसरा समझते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे क्या बना? वाटर, 2H2+O2+2H2। इसका वॉल्यूम 2, जो कोफिशिएंट है वो वॉल्यूम 2, इसका 1, इसका 2। सिंपल होल नंबर है या नहीं है? क्या कह रहा है भाई? हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम के साथ और वो बनाएंगे 2H2O। अगर मैं बोलूं कि यहां से हाइड्रोजन के 4 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन के कितने होंगे भाई? इसका हाफ यानी कि 2 होंगे। वाटर के कितने होंगे? जितना हाइड्रोजन है उसका, वो हम आगे पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना। जस्ट अभी गेल लुजैक लॉ की बात करते हैं। उसने एक बात बोली, जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी, अगर रिएक्टेंट भी गैसेस फेस में है, प्रोडक्ट भी गैसेस फेस में है, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो सिंपल मोल होल नंबर में रहेगा। अगली बात करें, H2+Cl2 gives 2HCl। इसका 1, इसका भी 1 और इसके कितने पार्ट है? 2। तो ये क्या बना? 1:1:2। ये सिंपल सा हमारा गेल लुजैक लॉ था। भी मुश्किल था क्या? चलो